हेलो फ्रेंड्स, इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ। सो बड़े दिनों से जो है जेसीबी मीम काफी फेमस हो रहा था, सो आई थॉट कि एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं पास्कल्स लॉ पे, क्योंकि जेसीबी के अंदर जो फोर्स डेवलपिंग सिस्टम है वो हाइड्रोलिक्स पे बेस्ड है, वो पास्कल्स लॉ पास्कल्स मशीन पे बेस्ड है। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि पास्कल्स लॉ कहता क्या है। ठीक है, सो पहले तो ध्यान रखिए, देखिए जेसीबी मशीन का नाम नहीं है, जेसीबी जो है वो तो एक कंपनी है, यानी कि जेसी ब्रैमफोर्ड एक्सकवेटर्स लिमिटेड। और ये कंपनी जो है वर्ल्ड की थर्ड नंबर की कंपनी है। ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि ये जिसे आप बोलते हैं एक्सकवेटर्स, इसका काम होता है खुदाई करना। उसके अलावा कॉम्पैक्टर्स हैं, फ्रंट होल लोडर्स हैं, बैक होल लोडर्स हैं, और टेलीस्कोपिक लोडर्स हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इरिगेशन में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवेज में, डॉक मैनेजमेंट में, ठीक है, ये सारे सिस्टम्स में यूज की जाती हैं। बहुत सारी मशीनें इनकी आती हैं, और इनकी जो मशीनें हैं, अगर आप इनकी मशीन्स को ध्यान से स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि इनके मशीन के डिजाइन में, इन मशीन्स के डिजाइन में आपके सारे सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल हैं। सो मैं बेसिकली मैकेनिकल वालों की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर मैकेनिकल वालों की बात करें वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ते हैं, सोम पढ़ते हैं, मशीन डिजाइन पढ़ते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स जो है यहाँ यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स कैसे यूज होगा। सबसे पहला तो इतनी भारी भरकम चीज को मूव करना है और बहुत सारी खुदाई करनी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कैसे आएगी, आपके पास एक इंजन होगा, इंजन में फ्यूल बर्न करेंगे और फ्यूल बर्न करने के बाद पावर जनरेट होगी। सो ये जो एक्सकावेटर्स हैं ये तो काफी हैवी मशीन्स हैं, मगर जेसीबी के जो छोटी मशीन्स आती हैं जैसे कि टेलीस्कोपिक लोडर्स, उनके अंदर जो इंजन है वो 3000 सीसी का होता है, यानी कि 3 लीटर का होता है। अब देखिए एक BMW M3 जो सीरीज गाड़ी आती है, रोडस्टर गाड़ी आती है, उसमें 2 लीटर का यानी 2000 सीसी का इंजन होता है और वो कितनी तेज भागती है, मगर टेलीस्कोपिक लोडर के अंदर उससे 1000 सीसी का इंजन ज्यादा है ना, तो काफी पावर जनरेट हो रहा होगा। और जो हैवी मशीन्स हैं उनमें जो इंजन है वो 7.5 लीटर तक का पहुंच जाता है, तो यहाँ जो पावर जनरेट होती है वो 74 HP से लेकर 285 HP तक जनरेट होती है। ठीक है, सो वहां तो थर्मोडायनेमिक्स लग रहा होगा, डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स लग रहा होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो इस तरह से जो मैकेनिज्म बनता है खुदाई का, ठीक है, एक स्पेसिफिक मोशन है जो बकेट की, वो मोशन जो है वो तो थ्योरी ऑफ मशीन से डिसाइड की जाएगी, है ना। तो थ्योरी ऑफ मशीन से डिसाइड किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स लगाए जाएंगे, उन लिंक्स की लेंथ क्या होगी, है ना, वो कौन सी इन्वर्जन, वो कौन सी चेन होगी, 4-bar chain होगी, 5-bar chain होगी, कौन सी चेन की इन्वर्जन होगी, वो सब थ्योरी ऑफ मशीन से डिसाइड किया जाता है। और एक बार काइनेमेटिक एनालिसिस हो जाए तो फोर्सेस को स्टडी करके फिर जो है हम क्रॉस सेक्शन वगैरह भी डिसाइड कर लेते हैं, मशीन डिजाइन यूज करके फाइनल डिजाइन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इन मशीन्स के जो डिजाइन हैं उनमें ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स यूज होते हैं। तो हम बाकी चीजों की तो बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सिर्फ पास्कल्स लॉ की। सो पास्कल लॉ क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास दो पिस्टन्स हैं, दो सिलेंडर्स हैं, और ये आपस में एक लाइन से कनेक्टेड है, एक पाइपलाइन से कनेक्टेड है, और यहाँ पे कोई ऑयल है। अब आप क्या करते हैं, आप दो पिस्टन लेते हैं, लीक प्रूफ पिस्टन लेते हैं, पहले पिस्टन का वेट है F1, दूसरे पिस्टन का वेट है F2, ठीक है, और ये लीक प्रूफ पिस्टन है तो सिलेंडर के अंदर इनको हमने ड्रॉप कर दिया। अब देखिए पिस्टन क्या करेगी, ऑयल के सरफेस पे प्रेशर फोर्स लगाएगी, प्रेशर जनरेट करेगी F1/A1, और उसी तरह ये वाली पिस्टन भी जनरेट करेगी F2/A2। मगर अगर पूरा सिस्टम लेफ्ट रेस्ट पे है, है ना, अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो इन दोनों लेवल पे जो प्रेशर आएगा वो सेम आएगा, यानी कि P1=P2 आएगा। तो जब आपके पास P1=P2 आया, यानी कि F1/A1=F2/A2 आ गया, ठीक है। अब A2 अगर A1 से बड़ा हुआ तो F2 जो है F1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो फ्लूइड है वो कम वेट सपोर्ट करेगा, राइट साइड में फ्लूइड जो है वो ज्यादा वेट सपोर्ट करेगा। क्यों ज्यादा वेट सपोर्ट करेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लार्ज है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब मैं बोल रहा हूँ कि वेट सपोर्ट करेगा, ज्यादा वेट सपोर्ट करेगा, तो यहाँ की फोर्सेस डिफरेंट तो है मगर प्रेशर डिफरेंट नहीं है, दोनों जगह प्रेशर जो है सेम है।
ठीक है। सो आप इसी चीज को उल्टी फॉर्म में भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं अगर हम छोटे सिलेंडर में फोर्स लगाते हैं F1, तो राइट हैंड साइड पे फोर्स जनरेट होगी F2, और वो F2 किसके बराबर होगी, F1 into A2 upon A1। अब A2 अगर A1 से बड़ा है तो A2 by A1 का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होगा, यानी कि F2 जो है F1 से बड़ी होगी, ठीक है। सो ये इसकी मैकेनिकल एडवांटेज है सिस्टम की, इस सिस्टम की मैकेनिकल एडवांटेज यही है, सिस्टम की डेफिनेशन यही है कि भैया एक फ्लूइड एट रेस्ट के अंदर अगर हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा दें तो सभी पॉइंट्स पे प्रेशर जो है इक्वल अमाउंट से बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका पास्कल्स मशीन है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर यहाँ पे हाइड्रोलिक्स कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक फिगर बनाया है, ये जो कैबिन सा है यहाँ पे तो ड्राइवर बैठता है, इधर भी इंजन होता है और मोटर्स होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, कंट्रोल्स होते हैं। ये आपका नीचे जो है ट्रैक है, जिस ट्रैक की मदद से एक्सकैवेटर आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये देखिए ग्राउंड जॉइंट टाइप है, कुछ ग्राउंड है ना। अब यहाँ पे एक लिंक जो है पाइवटेड है, इस लिंक को हम बोलते हैं बूम, क्या बोलते हैं बूम, क्योंकि ये बूमरैंग जैसा दिखता है, ठीक है। और बूम के एंड पे एक और लिंक पाइवटेड है जिसको आप बोलते हैं स्टिक, और स्टिक के एंड पे एक और लिंक पाइवटेड है जिसको आप बोलते हैं बकेट। सो खुदाई के बाद बकेट के अंदर मिट्टी जो है इकट्ठी की जाती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बूम के मिडल पॉइंट को हमने ये बेस से दोबारा कनेक्ट किया हुआ है, किससे, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर से। किस चीज से कनेक्ट किया है, हाइड्रोलिक सिलेंडर से। और उसी तरह बूम के इस पॉइंट को स्टिक से भी कनेक्ट किया है, यूजिंग अगेन एन हाइड्रोलिक सिलेंडर। और फिर हमने स्टिक को बकेट से कनेक्ट किया है, एक और कनेक्शन दिया है हाइड्रोलिक सिलेंडर की मदद से, ठीक है। सो होता क्या है हाइड्रोलिक सिलेंडर, होता क्या है हाइड्रोलिक सिलेंडर, कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो दो सप्लाई लाइंस हैं, ये एक्चुअली पंप और रिजर्वॉयर टैंक से कनेक्टेड रहती हैं। सो मान लीजिए आप पंप से प्रेशर बढ़ाते हैं और यहाँ से फ्लूइड अंदर आना चालू हो जाता है, तो जब यहाँ से फ्लूइड अंदर आना चालू होगा पिस्टन जो है बाहर की तरफ जाएगी और यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो होगा क्या कि ये वाला जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। सो मान लीजिए इस हाइड्रोलिक सिलेंडर की, यानी कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की लेंथ बढ़ जाती है। सो मेरे ख्याल से जब ये लेंथ बढ़ेगी, सो उस केस में क्या होगा, हमारा बूम जो है पीछे की उल्टा ऐसे रोटेट कर जाएगा। और वहीं अगर ये लेंथ घटेगी, सो उस केस में जो है हमारा बूम जो है उल्टा रोटेट कर जाएगा, ठीक है। सो जस्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज एक्सटेंडिंग और रिट्रैक्टिंग द हाइड्रोलिक सिलेंडर, आप इस बूम को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह बूम के रिस्पेक्ट में जरा इस हाइड्रोलिक सिलेंडर को देखिए, अगर ये हाइड्रोलिक सिलेंडर एक्सटेंड होता है तो बूम के रिस्पेक्ट में स्टिक जो है वो क्लॉकवाइज घूम जाएगी, और अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर रिट्रैक्ट करता है तो बूम के रिस्पेक्ट में स्टिक जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, ठीक है। और सेम केस जो है बकेट के साथ है। सो बेसिकली यहाँ पे जो लिंक्स की मोशन हो रही है, जो हम पूरी डिगिंग मोशन जनरेट कर रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर्स ओनली। सो इन हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के बीच में काफी सिंक्रोनाइजेशन होता है इनके टाइमिंग के बीच में, ताकि सभी लिंक्स की एक प्रॉपर मोशन हो, ठीक है। फोर्स जनरेट कैसे हो रही है, पास्कल्स लॉ की मदद से। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या यही एक एग्जांपल है जहां पास्कल्स लॉ यूज किया जा सकता है? सो मेरा आंसर है नहीं। इनफैक्ट हमारी लाइफ जो है वो पास्कल्स लॉ से घिरी पड़ी है। कैसे, आप लोग की गाड़ियों में ब्रेकिंग सिस्टम होता है ना, सो आजकल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम आता है। सो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब आप नीचे से पेडल पुश करते हैं, सो एक्चुअली पेडल जो है वो एक पिस्टन के साथ कनेक्टेड होता है, और ये पिस्टन जो है मास्टर सिलेंडर के अंदर मूव करती है। तो जब आप पैडल को पुश करते हैं, पिस्टन जो है अंदर जाती है। जब पिस्टन अंदर जाती है तो वो ऑयल को प्रेशराइज करती है। तो मास्टर सिलेंडर में से जो ऑयल है वो स्लेव सिलेंडर यानी व्हील सिलेंडर में चला जाता है। अब व्हील सिलेंडर के अंदर भी पिस्टन होती है, तो ये प्रेशराइज्ड ऑयल जो है उस पिस्टन को बाहर की तरफ पुश करेगा, और उस पिस्टन के बाहर शू, ब्रेक शू लगा होता है। तो ब्रेक शू क्या करता है, व्हील की अगेंस्ट प्रेस करता है और व्हील जो है स्टॉप कर जाता है। तो इस तरह से आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते हैं जो कि पास्कल्स लॉ पे बेस्ड हैं। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है बेसिकली लॉकहीड मार्टिन का नाम आपने सुना होगा, जो कि F-22 रैप्टर वगैरह बनाती है। तो लॉकहीड ही थे जिन्होंने
इस हाइड्रोलिक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक का पेटेंट निकाला था। उसके अलावा हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक जैक है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे आपका पास्कल्स लॉ डायरेक्टली यूज हो रहा है। सो पास्कल्स लॉ कहता क्या है, पास्कल्स लॉ सिर्फ इतना कहता है कि भैया हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंगली इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अगर हम इधर प्रेशर बढ़ा रहे हैं पी वन, तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ जाएगा पी वन, ठीक है। सो फ्लूइड जो है इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा है, मगर क्योंकि यहाँ का एरिया डिफरेंट है सो इधर की फोर्स कम होगी और इधर की फोर्स ज्यादा होगी। ओके, सो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन जो है पसंद आया, और मीम्स पढ़ते रहिए, मीम्स एंजॉय कीजिए, मगर अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी भी पूरी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।